जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो इस चैप्टर से जो है हम बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो चैप्टर नंबर 6 हमारा है। तो देखिए, फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वीडियो जो है उसको चैप्टर वाइज अपलोड किया जा रहा है। तो आप उन वीडियोज को देख सकते हैं और अपने डी फार्मा एग्जाम और एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, और साथ में आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है कि व्हाट इज जीईआरडी, या फिर जीईआरडी का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए और एग्जिट एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर डेवलपमेंट, गैल ब्लैडर डिसफंक्शन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के ऑप्शन दिए गए हैं। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ जीईआरडी। तो देखिए, जीईआरडी का जो है प्राइमरी सिस्टम, ठीक है, प्राइमरी इसका सिम्टम क्या होता है, इसका प्राथमिक लक्षण क्या होता है। तो क्या दिया गया, एब्डोमिनल पेन, परसिस्टेंट कफ, डायरिया या फिर हार्ट बर्न। तो इसका जो है सही आंसर है वो है हार्ट बर्न, यानी कि सीने में जो है वह जलन होती है, ये जो है इसका प्राइमरी सिम्टम होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर जो है वो किस वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए, जो हमारी फूड पाइप है उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, जहाँ पे कि जो है वो हमारे स्टोमक से जाके, ठीक है, बाइंड करती है, ज्वाइंट करती है, वहाँ पर जो है एक इंस्पेक्टर होता है। जब वो लो हो जाता है, वीक हो जाता है, तो इसी की वजह से जो है वो आपका गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क फैक्टर फॉर जीईआरडी। तो देखिए, जीईआरडी जो है वो किन किन वजहों से हमें देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित है तो उसमें जो है हमें जीईआरडी देखने को मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसको भी जो है वो जीईआरडी हो सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी में भी जो है वो हमें जीईआरडी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपका एक रिस्क फैक्टर नहीं है जीईआरडी के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द बैकवर्ड फ्लो ऑफ स्टोमक एसिड इनटू इसोफेगस। तो देखिए, जो हमारा फूड पाइप है इसोफेगस है, ठीक है, इसमें अगर आपका स्टोमक एसिड या फिर फूड कंटेंट अगर वापस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे जो है हम रिफ्लक्स बोलते हैं। और ये किस में होता है, जीईआरडी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर इंस्पेक्टर होता है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो वीक हो जाता है, लूज हो जाता है। तो इसी वजह से एसिड के जो हमारा स्टोमक है उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है, चाहे आपका, ठीक है, इसमें आपका स्टोमक एसिड हो गया, चाहे जो भी आपका फूड कंटेंट है, वो जो है, ठीक है, वापस जो है वो आपका इसोफेगस में चला आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आर बेवरेजेस कैन एक्सेबरेट जीईआरडी सिम्टम। तो देखिए, ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं या फिर ऐसे कौन से पेय पदार्थ हैं जो कि जीईआरडी के सिम्टम को जो है और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है स्पाइसी फूड। तो अगर आप बहुत ही अधिक जो है, ठीक है, तली भुनी चीज़ें या फिर मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो उसमें जो है जीईआरडी का जो इसका सिम्टम जो है वो बढ़ सकता है, या फिर ये बीमारी जो है और आगे बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर टिश्यू डैमेज इन इसोफेगस कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्टोमक एसिड। ठीक है, पर देखिए, जो हमारा इसोफेगस है अगर वो लंबे समय तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर स्टोमक एसिड के संपर्क में रहता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारा इसोफेगस है वो डैमेज होने लगता है, और उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, जो है हम कोलाइटिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू रिड्यूस स्टोमक एसिड प्रोडक्शन इन इंडिविजुअल विद GERD। तो देखिए ऐसे व्यक्ति जिनको कि GERD हुआ है उनमें स्टोमक एसिड को कम करने का जो है वो हमारे पास एक ही तरीका है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर। तो उनको जो है प्रोटोन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, जैसे कि आपका पेंटोप्राजोल हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर रेबीप्राजोल हो गया, इनको जो है वो दिया जाता है जो कि आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम मे इंडिकेट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ GERD, ठीक है, या फिर इसोफेगियल कैंसर। तो ऐसा कौन सा लक्षण है जिससे पता चलता है कि जो आपका GERD है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मतलब उसकी जो यहाँ पर डिजीज की स्टेट है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। देखिए अगर जो है GERD जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है तो उसमें जो है कुछ भी निगलने में जो है वो दिक्कत होती है, लोग जो है कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड GERD। तो देखिए अगर GERD का उपचार न किया जाए तो आगे जो है इससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, हेमरॉइड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है पाइल्स, ठीक है, इसी को जो है वो पाइल्स कहा जाता है। तो देखिए अगर GERD है तो इसमें क्या होता है कि सही से जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, पोषण की कमी हो जाएगी, मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर क्या है, तो देखिए पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि जो हमारा स्टोमक है या फिर डिओडिनम है जो उसकी इनर लाइनिंग है उसके अंदर कोई घाव हो जाता है या फिर होल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए सोर आर होल इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक आर डिओडिनम। डिओडिनम जो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, ठीक है। चलिए तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर होने का जो है सबसे सामान्य कारण क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया होता है। वहीं से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मोस्ट केसेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जो है हेलिकोबैक्टर पायलोरी के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर पेप्टिक अल्सर दैट अकर इन द स्टोमक। तो देखिए पेप्टिक अल्सर जो कि हमारे स्टोमक में होता है उसे क्या बोला जाता है, गैस्ट्रिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर, इसोफेगियल अल्सर या फिर इंटेस्टाइनल अल्सर, ये जो है दिया गया है और इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। तो ऐसा अल्सर जो कि स्टोमक में होता है उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो देखिए अगर आप लंबे समय तक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का प्रयोग करते हैं तो इससे जो है क्या हो सकता है, इससे जो है वो अल्सर डेवलप हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्टाइल फैक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। पहला है स्मोकिंग, दूसरा है हैवी अल्कोहल कंजप्शन, तीसरा है रेगुलर एक्सरसाइज और चौथा है स्ट्रेस, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है रेगुलर स्ट्रेस। देखिए ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उनको जो है वो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर रेगुलर करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो है ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर सीवियर का मतलब क्या होता है, गंभीर, ठीक है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर वेयर देयर इज ए होल इन द स्टोमक आर डिओडिनल लाइनिंग। तो देखिए जब हमारे स्टोमक या फिर डिओडिनल की इनर लाइनिंग में कोई होल हो जाता है उसको जो है परफोरेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन इंडिविजुअल्स विद सस्पेक्टेड पेप्टिक अल्सर। तो देखिए ऐसे मरीज जिनको कि पेप्टिक अल्सर हो गया है उनमें जो है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है इसका पता लगाने के लिए, किसका, हेलिकोबैक्टर पायलोरी बैक्टीरिया का। तो इसके लिए जो है वो कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए जो है वो स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है वो किया जाता है। स्टूल का मतलब क्या होता है, स्टूल का मतलब होता है मल, ठीक है। तो स्टूल एंटीजन टेस्ट जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर पेप्टिक अल्सर दैट अकर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
ठीक है। तो देखिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट जो है वो आपका क्या होता है, ठीक है, आपका डिओडिनल होता है। और ऐसा अल्सर जो कि हमारे डिओडिनम में होता है उसे क्या बोलते हैं, डिओडिनल अल्सर हम उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर का जो है एक कॉमन सिम्टम क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि हार्ट बर्न होता है, बर्निंग पेन इन द अपर एब्डोमन, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन का सही आंसर होएगा कि पेट के ऊपर हिस्से में जो है वो हमें जलन महसूस होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर प्रोटेक्टिव म्यूकोसल लेयर दैट लाइन द स्टोमक एंड हेल्प प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर। तो ऐसी कौन सी लाइनिंग है हमारे स्टोमक में जो कि हमें पेप्टिक अल्सर से बचाती है, गैस्ट्रिक लाइनिंग, ठीक है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एपिथिलियम या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गैस्ट्रिक म्यूकोसा जो है क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अल्कोहलिक लीवर डिजीज ALD का भी जो है आपको यहाँ से फुल फॉर्म पता चल गया। तो देखिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज जो है क्या है, लीवर डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। नाम से क्लियर है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो जो उसका लीवर है वो डैमेज होने लगता है और उसी को अल्कोहलिक लीवर डिजीज जो है वो कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइमरी साइट फॉर एथेनॉल मेटाबोलिज्म। तो देखिए जो आपका एथाइल अल्कोहल होता है इसका मेटाबोलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज का जो है इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है या फिर हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका पैनक्रियाटाइटिस। बाकी जो है देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पी रहा है तो उसको फैटी लीवर हो सकता है, किरोसिस हो सकता है और अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो देखिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज होने का जो है जो इसका प्राइमरी कॉज है वो है क्रोनिक अल्कोहल एब्यूज, यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जो है वो शराब का सेवन करता आ रहा है तो उसको जो है ये बीमारी हो सकती है, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो देखिए अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में जो है हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए जो भी लीवर सेल्स होती हैं उनके अंदर सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर सेल, और जो आपके यहाँ पर लीवर सेल हैं वो डैमेज होने लगती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो देखिए ऐसे लोग जो कि ठीक है रेगुलर एक्सरसाइज, लोअर ठीक है लो अल्कोहल कंजप्शन, ओबेसिटी एंड वेजिटेरियन डाइट, तो ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज होने का जो है एक ये फैक्टर हो सकता है ओबेसिटी जो कि है आपका मोटापा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब टू मैनेज सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो देखिए अल्कोहलिक लीवर डिजीज में जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे कैटेगरी दी गई है दवाइयों की, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गया, एंटी डिप्रेसेंट हो गया, डायबिटिक हो गया और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गया। तो इनमें से जो है किसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, तो इसमें जो है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए और इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म फॉर एंड स्टेज ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज कैरेक्टराइज बाय इररिवर्सिबल स्कैरिंग एंड लॉस ऑफ लीवर फंक्शन। तो देखिए अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज अपने लास्ट स्टेज में पहुंच गया है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको हम किरोसिस कहते हैं जो कि शराब पीने की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिक लीवर डिजीज। तो अगर अल्कोहलिक लीवर डिजीज हुआ है तो उसके उपचार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रिवर्सिंग लीवर डैमेज, लीवर ट्रांसप्लांटेशन, मैनेजिंग सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन, स्टॉपिंग अल्कोहल कंजप्शन। तो ये सारे जो हैं वो ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए अगर हमें अल्कोहलिक लीवर डिजीज से बचना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जो है शराब पीना जो है उसको बंद किया जाए, स्टॉपिंग अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज IBS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, उत्तराखंड बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2024 एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि IBS का फुल फॉर्म क्या होता है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लार्ज स्टेट ठीक है इसमें क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है, कोलन है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम का जो है सबसे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होता है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो टोटल जो है 32 क्वेश्चन जो है वो हमने यहाँ पे किए हुए हैं, जो कि आपके डी फार्मा एग्जाम एग्जिट एग्जाम के लिए जो है वो यूजफुल है। और फार्मेसी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो देखने को मिलती रहेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।